एडवांस। कोशिश करो, आने वाले वक्त बहुत करीब है। मैं पेशेंगोजियाँ नहीं करता हूँ, बट वाई अंडरस्टैंड 2023 के बाद दुनिया जंगो जलन का शिकार हो जाएगी। फिर आपकी बारी है, दो मुल्कों की बड़ी, एक की पहले आएगी, एक बाद। ममलकत खुदादार तुर्किया की पहले आएगी और ममलकत खुदादार पाकिस्तान की बाद में आएगी। वी हैव टू फाइट टू बैटल्स यंग पीपल। हमने दो बड़े मारके सर अंजाम देने, हमने अपने हमसायों की शरारतों का जवाब देना, हर सूरत देना। वो हमारी बका पर राजी नहीं है। ये बॉलीवुड की फिल्में नहीं काम आएंगी जिनको सुबह शाम हम देखते हो। ये झूठ से जो पैरोकारी है तुम्हारी, ये नहीं काम आएगी। काम आएगा वो तासुब के जो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि एक खैमा कुफर का और एक खैमा ईमान का होगा। ट्राई टू होल्ड टू योर ओन ट्रेडिशंस। ये खराफात की ट्रेडिशन कोई हर्ज नहीं है अगर वक्त गुजारने के लिए ये देख लेते हो, अगर इनके असर में कबूल करो। जो है झूठ उसका असर कहाँ कबूल करो। वही एक एक्ट्रेस है जो एक फिल्म में एक एक्टर की बीवी आ रही होती है, दूसरी में महबूबा आ रही होती है, तीसरी में माँ आ रही होती है उसी एक्टर की, और चौथी में बेटी बनी होती है। वह अकल करो यार, वो कितनी को सच्चाई की यहाँ पर है। पीर शबद पेशा कुदर यानी बतारी, तो जैसे ना भेड़िया बूढ़ा हो जाए ना तो फिर वह इबादत का रास्ता इख्तियार कर लेता है। ये वो दुनिया है आसेब की, इसमें कैफियात भी झूठी नकल होती है, अहमाल भी झूठे होते हैं, अंजाम भी झूठे, आगाज भी झूठे। To be careful, stick to your own bit of knowledge. Particularly, इस एज में आपकी एक ही तरजीह होनी चाहिए और वो तरजीह इस एज की सिर्फ इल्म, एक तसाब इल्म है और उससे हासिल करता हुआ इल्म जो बिल आखिर दुनिया में आपको कामयाब हो कामरान करे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। थैंक यू वेरी मच।